वैसे तो आपने बहुत तरीके से एग करी की रेसिपी ट्राई की होगी, बट कभी आपने इस तरीके से शाही कोरमा एग करी की रेसिपी ट्राई की है? तो चलिए आज बनाते हैं थोड़ा अलग वे में एग करी की रेसिपी। इसे बनाने के लिए कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर दिया था, इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें कटा हुआ प्याज, 8-10 लहसुन की कलियाँ, 2 फ्रेश हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा इसमें ऐड करूँगी और इसे हम अच्छे से कुक कर लेंगे। बहुत अच्छे से हमें इसे भूनना है ताकि प्याज और जो भी चीज़ें हमने डाली है वो कच्चा ना रह जाए। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें हल्का सा पानी भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हम लोग इसका ग्रेवी बनाएंगे। इसके बाद इसमें ऐड किया है 10 से 12 काजू और फिर इसे हम अच्छे से भून लेंगे। जब ये अच्छे से भून जाएगा, प्याज अच्छे से लाल हो जाएगा, फिर इसे मैं निकाल दूंगी दूसरे बर्तन में और थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक उसी कढ़ाई में हल्का सा ऑयल ऐड करेंगे और एग को मैंने बहुत अच्छे से हार्ड बॉईल कर लिया था। और अब हम एग को इस तरीके से कट कर लेंगे नाइफ़ की सहायता से, तो जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है आप उस तरीके से कट कर लेना। और फिर मैंने थोड़ा सा तेल में डाला है लाल मिर्च और हल्का सा नमक, और एक एक करके जो मैंने एग को बॉईल किया था सबको इस तरीके से कट करके इसमें ऐड कर लूँगी और सेलो फ्राई कर लूँगी। जब एग सेलो फ्राई हो जाएगा तो सबको निकाल दूँगी और तब तक प्याज का पेस्ट जो है, जो मैंने ठंडा होने के लिए रखा था, वो भी ठंडा हो चुका था, उसका अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। अगर ज़रूरत पड़े तो हल्का सा पानी यूज़ कर सकते हो। मैंने धनिया पत्ता आप इसके बदले यूज़ कर सकते हो, मैंने धनिया पत्ता की चटनी यूज़ की है। अगर नहीं है आपके पास चटनी तो आप धनिया पत्ता भी उसकी जगह यूज़ कर सकते हो। और फिर मैं उसी कढ़ाई में हल्का सा और तेल ऐड करूँगी और इसमें डालूँगी। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें ऐड करूँगी कुछ खड़े गरम मसाले, हल्का सा खड़ा जीरा और जो मैंने पेस्ट तैयार किया था अनियन और कोरिएंडर लीव्स का, वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। और फ्लेम को लो रखना क्योंकि ये पेस्ट काफ़ी उड़ता है, तो आप ध्यान से कुक करना। और इसे हम भूनेंगे, तब तक भूनेंगे जब तक ये तेल ऊपर अच्छे से छोड़ ना दे। इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी जैसे कि नमक, हल्का सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और जो मेन मसाला है वो है गरम मसाला, तो वो भी इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें मैंने 2 टेबलस्पून दही जो फ्रेश कर्ड होती है उसको भी यूज़ किया है और इस सबको हम अच्छे से मिला देंगे। जब मसाले आपस में अच्छे से मिल जाएंगे, देख सकते हो आप मसाले अच्छे से कुक हो गए हैं। अब मैं इसमें फ्रेश मलाई जो घर का है वो यूज़ कर रही हूँ, आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। 2 टेबलस्पून ऊपर से ऐड करूँगी फ्रेश हरी धनिया की पत्ती और इसे हम अच्छे से करेंगे मिक्स। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब जो मैंने एग को फ्राई करके साइड में रखा था वो भी एक एक करके इसमें ऐड कर लूँगी। एग ऐड करने के बाद मैं इसे ज़्यादा टाइम तक नहीं, बस 3 से 4 मिनट तक कुक करूँगी और ये खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनी थी। ये बेसिकली एग शाही कोरमा है। आपको अगर कुछ अलग खाने का मन कर रहा हो तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और इसे गर्मा गर्म पराठे या रोटी के साथ सर्व करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है खाने में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एवरी।